राज्यपाल का जो अभिभाषण था, हालांकि जो संवैधानिक प्रक्रिया है राज्यपाल वही बोलते हैं जो कैबिनेट बना के उनको भेजती है, लेकिन इस प्रकार से पुरानी सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, हमारी योजनाओं को गलत बता रहे हैं और आज प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से पर्ची सरकार चल रही है, ढीली सरकार चल रही है, एक मैसेज ये है कि सरकार ढीली है, सरकार काम नहीं कर रही है, लगातार सिर्फ दावे दावे हो रहे हैं। राज्यपाल महोदय ने सच्चाई बयां की है कि पिछली सरकार के समय पर जिस तरह के अत्याचार अन्याय बढ़े, महिला अत्याचार बढ़े, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, तुष्टिकरण चरम सीमा पर था और लोगों को गुमराह करने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। बिजली प्रबंधन उनका बिल्कुल फेल रहा, सरकारी जो योजनाएं थी उनमें बिना वजह के लोगों पर भार डाल करके कर्ज में डुबो दिया राजस्थान को। तो उन सारी सच्चाइयों को माननीय राज्यपाल महोदय ने आज विधानसभा में बयां किया है। नमस्कार जनता, मैं स्वागत आपका, मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा 16वीं विधानसभा के पहले सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण से। अभिभाषण में होता भी यही है, हमारे एक परंपरा और एक प्रक्रिया है जिसके तहत राज्यपाल का अभिभाषण कैबिनेट से पारित कराया जाता है, विभागों से पैराज मंगवाए जाते हैं और उसके बाद में वो सरकार का एक मुखपत्र की तरह होता है। लेकिन इस बार कार्य योजना, आगे का विजन, कैबिनेट में जो फैसला हुआ है कि जन घोषणा पत्र है उसे हम पब्लिक से जो हमें जानकारियां मिली, कलेक्शन हुआ, उसको हमने घोषणा पत्र में सम्मिलित किया और उन्हीं को हम सरकार का एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में कैबिनेट से पारित कराए हैं। पूर्ववर्ती सरकार को लेकर के काफ़ी इसमें चर्चाएं की गई हैं, नहीं सहेगा राजस्थान का भी जिक्र हुआ है, पेपर लीक की बात हो, फिर चाहे अभियोजन स्वीकृति नहीं देने की बात हो, तमाम बातों को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, महिला उत्पीड़न की बात हो, तमाम पहलुओं को इसमें दर्शाया गया। सियासी जानकारों का कहना है कि जनरली सरकार अपने एजेंडे को पेश करती है, फाइनेंस डेफिसिट जो होते हैं उनको लेकर के जरूर चर्चा होती है, लेकिन स्लोगन्स और इनका जिक्र बहुत कम होता है। खैर, लेकिन हर सरकार का अपना एक एजेंडा होता है, उसे तय करना है कि मुझे 5 साल किस तरह से चलाना है, क्या मेरी प्राथमिकताएं हैं और किन खामियों को दुरुस्त करना है, मैनिफेस्टो में क्या शामिल करना और क्या नहीं करना है। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सीएल यादव जी कांग्रेस से हैं और के जानू जी हमारे साथ भाजपा से हैं, राजेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ समीक्षक जुड़ेंगे। यादव साहब, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। घोषणा अभिभाषण राज्यपाल का, एक जब भी हमारे यहाँ सत्र शुरू होता है, खासकर बजट सत्र, उसका एक शुभारंभ जब किया जाता है तो हमेशा राज्यपाल के अभिभाषण से किया जाता है, अभी अब की बार भी किया गया। आपकी पार्टी का आरोप है कि ये अभिभाषण कम और सरकार का पॉलिटिकल एजेंडा ज़्यादा है, ऐसा क्यों लगता है? जन टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार, राम राम। देखिए सर, ये विशेष अभिभाषण है जो इस प्रदेश की सरकार का जो 16 विधानसभा है उसके 5 साल का लेखा जोखा और एक विजन डिसाइड करने वाला अभिभाषण होना चाहिए था, ऐसा प्रदेश की जनता मान करके चल रही थी। लेकिन ये अभिभाषण, जो विशेष अभिभाषण है, ये दिशाहीन निकला, सिर्फ जुमले निकले, सिर्फ नारे निकले और विकास को बेपटरी पर ले जाने वाला ये अभिभाषण निकला। ये अभिभाषण निकला सामाजिक अन्याय का, जो एक जिसके लिए जानी पहचानी जाती है भाजपा, उसका एक विजन दिखा, सामाजिक अन्याय, आर्थिक असमानता का ये एक अभिभाषण निकला। तो इस पे कुछ भी नहीं है, इन्होंने जो गारंटियां थी वो वापस
प्रदेश की जनता को लगने लग गया कि ये वापस जुमले साबित होने वाले हैं। जिस प्रकार पर्ची से सरकार बनी, उसी प्रकार से ये पर्ची का अभिभाषण भी आज माननीय गवर्नर साहब ने सदन में पढ़ा। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ जुमलों की सरकार है, जुमलों की साबित होगी। प्रदेश को कि जो विकास दिया हमने पिछले 5 साल में, एक विजन दिया, 2030 तक हम प्रदेश को नंबर वन बनाना चाह रहे थे, ये 2047 में नंबर वन बनाने की बातें कर रहे हैं। तो ये सिर्फ जुमलों का विजन है, जुमलों का अभिभाषण है। इसमें विजन के नाम पे, प्रदेश के विकास के नाम पे, प्रदेश की जनता को सामाजिक सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। जो सामाजिक सुरक्षा की इन्होंने कल कैबिनेट ने वादे किए थे, वो भी यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सिर्फ चुनावी कैबिनेट के फैसलों में तो लगता नहीं है आपको, कुछ टाइम लगेगा अभी। सर 100 दिन का रोड मैप, जिसमें 45 दिन में तो सरकार की अत्यपति नहीं है, तो 100 दिन का रोड मैप क्या होगा? चलो जानू साहब देंगे इसका उत्तर। जानू साहब सुना आपने, आपके साथी यहाँ पे कह रहे हैं कि सरकार का अता पता नहीं है, तो 100 दिन कम निकल जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। और ये जो अभिभाषण है उसके बारे में आपने सुना अभी? देखो दोनों बातों का मैं जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो कि सरकार का अता पता नहीं है। निश्चित रूप से पिछले 5 साल में सरकार का अता पता नहीं था। सरकार का एक हिस्सा दिल्ली बैठा था, एक जोधपुर जैसलमेर के होटल में बैठा था, और 5 साल जनता सरकार का इंतजार करती रही, सरकार कहां है, क्या करेगी, कब करेगी में ही चुनाव आ गए और जनता ने जो जनादेश दिया वो आप हम सबके सामने है। दूसरा विषय आया कि राज्यपाल के अभिभाषण में जो परंपरागत अभिभाषण होता है, जिस प्रकार की अवधारणा राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर मीडिया में भी और विपक्ष में भी बनी रहती है, निश्चित रूप से लीक से हटकर अभिभाषण आया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे हमने लीक से हटकर मुख्यमंत्री दिया है, वैसे ही सारे काम लीक से हटकर करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि यह सरकार केवल आई नहीं है, बनी रहेगी, इस बात का प्रयास होगा। जी राजेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। अभिभाषण वर्षों से देखते आ रहे हैं आप, DIPR का भी हिस्सा रह चुके हैं और बहुत बार देखा भी है हम लोगों ने, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आप समय समय पर देखते भी हैं। अभिभाषण की प्रक्रिया और अभिभाषण को जनरली किस वे में देखा जाता है? देखिए एक्चुअल में क्या है कि जो अभिभाषण होता है राज्यपाल महोदय का, जो अभिभाषण होता है उसका एक बजट सेशन में एक तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और उसके अंदर क्या कि सरकार की जो रीति नीति है, जो सरकार का जो एजेंडा है, उसको किस तरीके से वो प्रस्तुत करेंगे, उसका एक आईना होता है, उसके अंदर उसकी एक तस्वीर दिखाने का प्रयास किया जाता है कि हम ये चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। इसलिए राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण होता है वो अपने आप एक महत्वपूर्ण होता है, और सरकार द्वारा उस अभिभाषण में जो बातें कही जाती है, सरकार बाद में डिपार्टमेंट से उसके ऊपर प्रोग्रेस की रिपोर्ट लेती है कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हर डिपार्टमेंट से रिपोर्ट ली जाती है कि इसके अंदर हमने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ये बात कही गई थी, उसके अंदर उस डिपार्टमेंट ने क्या किया। तो केवल उसमें, चूंकि ये पहला अभिभाषण है नई सरकार का, इसलिए इसके अंदर प्रोग्रेस वाली बात तो होगी नहीं, इसमें नए एजेंडा है, नई चीज़ें हैं, नई बातें होगी, इसलिए निश्चित रूप से इसके अंदर नयापन है। और ये एक परंपरा भी, परंपरा से लीक से हटकर के इसलिए है कि इसके अंदर कुछ इस तरह की बातें कही गई है जिनको आगने वाले दिनों में हम इम्प्लीमेंट होते हुए देखेंगे। इसलिए बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट के रूप में इसे पढ़ाया गया राज्यपाल से, कभी भी इस तरह के स्लोगन्स और इनका जिक्र अभिभाषणों में होता नहीं है, लेकिन चुनावी सभाओं में जिस तरह की चीज़ों का BJP ने उपयोग किया उनको इसमें भी शामिल कर दिया। देखिए योगेन जी, बड़ी सीधी सी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, सबका अलग अलग मैंडेट होता है, अलग अलग उनका आइडिया होता है और वो अपनी बात कहते हैं। अच्छा, आलोचना प्रत्यालोचना दोनों विधायक है, ठीक है, तो उससे तो उसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते, पर आप ये इस बात को मान करके चलिए कि जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है वो सरकार बनाती है, जो सत्तारूढ़ पार्टी वो बनाती है, और उसमें सत्तारूढ़ पार्टी की जो मंशा होती है, जो उसके आइडियोलॉजी होती है और उनका जो कुछ एजेंडा होता है वो उसमें उभर करके आता ही आता है, चाहे वो कांग्रेस के टाइम पे जो अभिभाषण आए उसमें आए देखा जा सकता है, और आज BJP के टाइम पर आए तो उसमें देखा जा सकता है। एक परंपरा है, हमेशा से यही चीज़ होती है, क्योंकि सरकार ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को अंतिम रूप देती है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जुड़ती क्या नहीं जुड़ती। कल अपन ने देखा कि जब उसके मंत्रिपरिषद की मीटिंग हुई तो उसके अंदर उसको अंतिम रूप दिया गया। बिल्कुल, क्योंकि अभिभाषण की क्या प्रस्तुति होगी उसको लेकर के फाइनल कैबिनेट में किया जाता है, कैबिनेट की मोहर भी उस पर लगती है, उसी के जरिए बाहर जाता है। हमारी एक प्रक्रिया है ये, उसी से जाना होता है, और उसके बाद में हालांकि छपने की प्रक्रिया हो सकता है पहले से शुरू की जाती होगी, क्योंकि बजट भी हम अक्सर देखते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ते हैं, फाइनेंस जिसके पास हो, मुख्यमंत्री के पास हो तो वो पढ़ते हैं, और मिनिस्टर के पास में तो मिनिस्टर पढ़ते हैं।
लेकिन छपने के लिए पहले दे दिया जाता है, अदरवाइज तो इतनी कॉपियां निकलना बहुत मुश्किल है कि फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ेंगे भी आजकल इतनी वो नहीं है क्योंकि आज लेकिन एक बड़ी गोपनीयता होती है, बड़ी गोपनीयता होती है। इसी तरह से अभिभाषण, हालांकि क्योंकि गवर्नर की एक अपनी गरिमा होती है, उनका अपना पद है, इस कारण से इसका वो होता है, लेकिन इतनी गोपनीयता की बात नहीं कही जा सकती। हाँ, लेकिन फिर भी गोपनीय इस वजह से है कि जब तक पाठन नहीं हो जाता, उसका पठन नहीं हो जाता है गवर्नर के माध्यम से, तब तक उसको आप पब्लिक डोमेन में लेकर के नहीं आ सकते, क्योंकि वो सदन की प्रॉपर्टी है और सदन के जरिए ही वो सदन में प्रस्तुत करने के बाद बाकायदा उस पर सिग्नेचर भी करते हैं राज्यपाल कि ये सदन को समर्पित होती है। उसके अलावा एक बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि संबोधन भी जो होता है, मान्य अध्यक्ष और मान्य सदस्य कह करके संबोधन होते हैं, यानी कि सरकार का एजेंडा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है और ये परंपरा रही है, कोई नई बात नहीं है, पहली बार भी नहीं है, होता है ये अक्सर। सीएल यादव साहब, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। देखिए, ऑब्जेक्शन आपका है, आप पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, सत्ता पक्ष को अपनी बात पे चलना है। जब आप सत्ता पक्ष में थे तो विपक्ष की बात को आप लोग खारिज करते हैं, आज विपक्ष आपकी बात को खारिज करता है, लेकिन अलग क्या लग रहा है आपको? जैसे अभी जानू साहब ने कहा कि सभी चीजें इस बार आपको अलग ही दिखाई देंगी। सहेगा राजस्थान जी, अलग लगता है। आपने 13 नंबर 7 पहली बार लग रहा है कि वो चुनावी प्रचार कर रहे गवर्नर महोदय विधानसभा में, जबकि 5 साल के लिए सरकार बन गई। परिवर्तन संकल्प यात्रा, जन आक्रोश यात्रा, नहीं सहेगा राजस्थान, ये जब 5 साल का विजन दीजिए ना सब, जो आपने चुनाव में क्या बोला, चुनाव में पार्टी ने क्या बोला, उसके लिए इसकी कहाँ जरूरत थी। मैं भारतीय जनता पार्टी और सरकार से मेरा सीधा सवाल है कि जिस प्रकार इन्होंने कर्ज को लेकर के बातें की, तो क्या ये चिरंजीवी योजना को बंद करने जा रहे हैं? क्या ये किसानों को मिल रही 2000 यूनिट प्रति माह उसको बंद करने जा रहे हैं? क्या बिजली के बिलों में वृद्धि की जो लागत है प्रति यूनिट, जो बिजली के बिलों में वृद्धि करने जा रहे हैं 20 से 25%, क्या ये राजस्थान को जो चिरंजीवी आपके जो रसोई है इंदिरा गांधी रसोई का इन्होंने अन्नपूर्णा रसोई कर दिया, उसकी रेट 25 से बढ़ाकर के 30 कर दी, तो क्या उससे भ्रष्टाचार नहीं होगा? जो तमाम नहीं, वादे उसमें तो इन्होंने कहा है कि पब्लिक को तो 8 रुपए देने हैं, इन्होंने जो उसमें क्वांटिटी है उसको बढ़ा दिया, उसमें 450 से 600 ग्राम कर दिया, 25 से 30 रुपए किए। अब क्वांटिटी बढ़ी नहीं बढ़ी ये तो जब रियलिटी में आएगी उसको चेक करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन 25 से 30 रुपए की है, उसमें भी आपको मिलेट्स को शामिल किया जो कंपेरेटिवली सस्ते होते हैं, उसके बावजूद आपने 5 रुपए बढ़ा दिए, तो ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार इन्होंने बात की SIT की सब पेपर लीक में, तो क्या 2018 में तक इनकी सरकार थी, 23 पेपर लीक हुए, तब इन्होंने SIT क्यों नहीं बनाई? इस SIT में जो 2018 तक दोषी थे उनको क्या कटघरे में खड़ा किया जाएगा? और जो हमारी सरकार ने 5 साल में 2200 लोगों को गिरफ्तार किया, उस तो ये 15 को गिरफ्तार करके कौन सी वाहवाही लूट रहे हैं? एक सवाल मेरा ये है जी। दूसरे मुद्दे हैं एंटी रोमियो स्क्वाड, तो रकों का नहीं बनता, तो एंटी रोमियो स्क्वाड और एंटी गैंगस्टर जो टास्क फोर्स के क्या मायने थे? हमने रको का लेके आए क्योंकि जो हार्डकोर अपराधी है, हमने चोर को मारने की कोशिश नहीं की, चोर की नानी को मारने की कोशिश की, उसके लिए रको का लेके आए। तो ये तमाम बातें हैं जो हमने गुड गवर्नेंस दी, एक प्रदेश को डेवलपमेंट का एक विजन दिया और 2030 तक कैसे बनेगा नंबर वन, उसके लिए एक विजन दिया हमने, इन्वेस्ट समिट की हमने, 19.6% की GDP दी, तमाम बातें की हमने, दूध में उत्पादन में प्रदेश का को देश का नंबर वन बनाया हमने, तिलहन उत्पादन में नंबर वन बनाया, तमाम कोशिशें की एग्रीकल्चर। लेकिन आप अपनी बात को जनता के बीच रखने में विफल रहे, क्योंकि कोई तो कारण होगा कि जनता ने नहीं चुना आपको वापस। नहीं, वो भाजपा के झूठ हमारी जो स्कीमें थी उसके ऊपर भारी पड़ी, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपको अच्छा एक बात बताइए, आपके पार्टी के तमाम नेता ये बात कहते रहते हैं कि भाजपा झूठ बोलती है, धर्म को और राजनीति का आधार बनाती है, तो आपको मालूम था कि ये एजेंडा बीजेपी का है, तो आप लोग फुल प्रूफ, आप लोगों ने ऐसी प्लानिंग क्यों नहीं की? समय काफी मिला आप लोगों को। सब क्या होता है, डमरू, आप ज्ञान की बात करते हो, डमरू एक डमरू बजाता है, भीड़ कहां मिलेगी? डमरू के ऊपर। आदमी गुमराह जल्दी होता है, ज्ञान की बात सीखता बाद में है। और जब जनता को एहसास हुआ कि हम झूठ और जुमलों के पेच में फंस गए, तो उन्होंने कर्णपुर सर, अब तो बहुत सारे संसाधन, आप डमरू से ऊपर DJ बजाना चाहिए था, गांव में मैं खूब थिरकते देखता हूं लोगों को, उधर भीड़ आ जाती, आप लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए था। और आपने एक बात और कही, क्या पैसे बढ़ाएंगे,
बिजली की दर बढ़ाएंगे, क्या चिरंजीवी योजना को बंद करेंगे, ये किसने कहा? बीजेपी ने नहीं कहा अभी तक कि हम बिजली की दरें बढ़ा रहे हैं। ये तो आ गया ना साहब, जहां आप कर्ज की बातें कर रहे हो वहीं आ गया। चलो इसका जवाब जानू जी देंगे। जानू जी, इनके कुछ क्वेश्चंस हैं यादव साहब के, इनको संदेह हो रहा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, इसको अदरवाइज नहीं ले जाना चाहिए कि पार्टी के सदस्य बाद में हैं और आप भी। मैं एक समाज के इस नागरिक या एक आमजन पहले हैं आप लोग। एक और एड ऑन कर दूं जी। स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि सब जो चिरंजीवी में 50 लाख की 25 लाख की जो कवरेज था उसकी जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ 5 लाख जो 90% 95% जो पेशेंट है वो 5 लाख तक के कवरेज में ही सफिशेंट होता है। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि सब आपको विश्वास होना चाहिए कि कल को यदि मेरे को कोई इमरजेंसी आई, ऐसी जरूरत पड़ी, तो मैं 25 लाख तक का 50 लाख तक के कवरेज में बेनिफिट ले सकता हूँ। और जब आपको विश्वास होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो अपने आप सोल्व हो जाती है। तो हमारा विजन था कि यूथ के से ज़्यादा विश्वास कायम करना, जो सरकार का इकबाल है उसको कायम करना हमारा ऑब्जेक्ट था चिरंजीवी योजना में, और उसको कहीं ना कहीं बीजेपी जो सरकार में इकबाल पैदा हुआ, विश्वास बना, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। और आज के अभिभाषण से ये जाहिर हो गया है कि सरकार दिल्ली से चलेगी, कठपुतली सरकार होगी। चलिए मैं जवाब दिलवाता हूँ, अब वो जवाब देने दीजिए। जानू साहब, आपने सुना अभी जी जो मैंने पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे, फिर मैं दोहरा देता हूँ आपको कि बिजली की दरें बढ़ेंगी, आपसे सवाल किया उन्होंने, क्या चिरंजीवी योजना बंद होगी, और भी कुछ इसके आसपास के सवाल इन्होंने किए, और अभी आपने सुना कि रिमोट से सरकार चलेगी, ये अक्सर विपक्ष अपनी ओर से जरूर कहता है। देखो, कांग्रेस के प्रवक्ताओं का ये कहना उनकी मजबूरी है। बिजली उत्पादन में जब वसुंधरा जी छोड़कर गए थे और गहलोत जी ने 5 साल शासन किया, कितना उत्पादन बढ़ा, जबकि खपत और इक्विपमेंट्स तो बहुत बढ़ गए। आप ही बता दीजिए। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि आप कह रहे हैं कि रिमोट से चलेगी, भाई ये रिमोट तो हर पार्टी में होता है। कांग्रेस में भी अभी नेता प्रतिपक्ष बने हैं वो जनभावना से बने, रिमोट से बने। तो जिन सवालों में आप घिरे हैं उन्हीं सवालों में आप हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिन विषयों में आप कह रहे हैं हमने करने की कोशिश की, जनता ने नहीं माना। और लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। अगर वो मेरी बात समझ रही है और आपकी बात नहीं समझ रही है तो कितनी भी अच्छी बात हो उसका जनता की नजर में कोई मायना नहीं है। आप ना अपनी बात समझा पाए, ना अपनी कार्यपद्धति से सिद्ध कर पाए, और ना आप जनता का वो विश्वास जीत पाए जिसके बल पर आपकी सत्ता चल रही थी। 5 साल आप आपस की नूरा कुश्ती में इस विकास की गति को अवरुद्ध करते रहे। आपका अंतर्विरोध ही आपके लिए अभिशाप बना। उसके लिए चाहे आप भाजपा को कुछ भी कहें, भाजपा जनादेश का सम्मान करते हुए काम करने की कोशिश करेगी। जी, कुछ कह रहे हैं आप सर। 13 से 18 तक डबल इंजन की सरकार थी, उसी जनता ने, इसी प्रदेश की जनता ने 2018 में इनको आईना दिखाया था। हमने लोकतंत्र का मर्डर नहीं किया, इन्होंने कई बार 18 से 23 में लोकतंत्र का मर्डर किया, वो पूरे देश ने देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है। तो ये किस मुँह से कहते हैं कि हमारी, यहाँ तो मुख्यमंत्री जी के बगल में फाइल दबा करके दिल्ली भाग रहे हैं, परसों दिल्ली गए, कल अभिभाषण आया, आज माननीय गवर्नर साहब ने पढ़ दिया, जो पूरी तरह लग रहा है कि वो पर्ची का अभिभाषण है। इससे ज्यादा क्या होगा? पर्ची निकली, मुख्यमंत्री का नाम निकला, पर्ची निकली, मंत्रियों के नाम निकले, तो क्या है? पर्ची निकली, विभागों के नाम निकले, तो क्या है? यादव साहब, वैसे देखिए, हर एक बात बताऊं मैं आपको, वैसे मैं सिंपली बात करना चाहूंगा कि हर सरकार का, हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है। जवाबदेही इनकी है, पार्लियामेंट इलेक्शन है, उसके बाद में लोकल बॉडीज के होंगे, पंचायती राज के होंगे, और नहीं चलेगी तो 5 साल कब निकलते हैं को पता नहीं लगता। आपको मालूम चला कि 5 साल कैसे और कब निकल गए, ये जनता है, सब देखती है। तो खैर, अच्छी बात है कि आप समय समय पे इनको याद दिला रहे हैं कि आप ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। ये इनका काम है कि माने नहीं माने। अभी जैसे के जानू जी ने कहा भी कि देखिए, हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, कि आप भी रिमोट को खारिज नहीं किया उन्होंने, लेकिन आप भी रिमोट से चलते थे, इन्होंने आपको भी बता दिया कि हर रिमोट आप लोग कह रहे हैं, लेकिन हर पार्टी का अपना एक डिसिप्लिन समझिए, अंडरस्टैंडिंग समझिए, कि ऊपर से कुछ चीज़ें भेजी जाती हैं कि आपको इस तरह से इस रूट पे चलना है। हर पार्टी का एक एजेंडा है। मैं राजेंद्र जी आपके पास में आना चाहूँगा। मैं कश्मकश और बहुत सारी चीज़ें तो मुझे लगता है कि रहेंगी, क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन सामने हैं, और सरकार को कैसे प्रेशर में लिया जा सकता है, सरकार ने जो वादे किए थे उनको जनता के बीच कैसे लेके जाया जा सकता है। विधानसभा एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, उसके अलावा भी बाहर होगा, तो
तो इस बार का, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन सामने है, इस वजह से इस अभिभाषण की एक इम्पोर्टेंस और बढ़ गई है सियासत के लिए भी, क्योंकि विधानसभा में विधायकों को बोलने का अवसर मिलेगा, विपक्ष काफी मजबूत है। जिस तरह से पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी और विपक्ष बीजेपी का मजबूत माना जाता था, इसी तरह से अब की बार विपक्ष कांग्रेस का भी मजबूत होगा, क्योंकि ये हल्के में नहीं लिया जा सकता है कि डूडी साहब जब थे 21 लोग थे, मुझे लगता है कि वो स्थिति ने काफ़ी मजबूत है और सरकार को भी जवाबदेही बनेगी, इनको भी पूरी बात कहने का हक होगा वहाँ पे, तो ये माना जा सकता है कि इस अभिभाषण में सियासत ज़्यादा रहेगी। देखिए निश्चित रूप से रहेगी, क्योंकि जो आज की तारीख में जो विपक्ष है वो अच्छी स्थिति के अंदर है। इससे पहले भी जब अभी कांग्रेस सरकार थी पहले, तब भी विपक्ष अच्छी स्थिति में था और दोनों उसका अब परिणाम भी अपने को देखने को मिला, उसके जो भी परिणाम आए वो सबके सामने आए। पर देखिए दो तीन चीज़ें बड़ी साफ हो जानी चाहिए कि 2024 के चुनाव को लेकर के, उस एजेंडे को लेकर के कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि साहब इन्होंने जो कमिटमेंट किए थे, जो भी चीज़ें इन्होंने वादे किए और किए जो भी किए, वो चीज़ें इस पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, ये कहने की कोशिश करेगी। वहीं पर बीजेपी ये बताने की कोशिश करेगी कि हम जो एक रोड मैप बनाया है आगे के लिए, अगले 5 साल के लिए डबल इंजन की सरकार का जो रोड मैप बनाया उसके लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उस चीज़ को इस रूप में हम लेकर के आएंगे, इस चीज़ को विधानसभा के फ्लोर पर भी करेंगे और जितने भी मंच हैं, सार्वजनिक मंचों पर जितने भी कार्यक्रम, चाहे रैलियाँ होगी, चाहे और कोई दूसरी चीज़ होगी और दूसरे कार्यक्रम, उनके माध्यम से अपने बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब दोनों को जो मछली की जो आंख दिखाई दे रही है वो बिल्कुल 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं इनकी बात में ये कहना चाहूँगा कि देखिए लोकसभा का चुनाव तो ये, पर आप ये देखिए कि अभी साल भर का जो पीरियड है वो तो करीब करीब आचार संहिता चुनाव में निकल जाता, हर उसी में निकलेगा। हर पार्टी की सरकार को ये पिछले कुछ सालों से इनको भी भुगतना पड़ा है, आज वर्तमान सरकार के सामने भी होगा। अब इसमें होता क्या है कि जो टालने वाली बातें होती हैं, काम होता है फंडिंग कलेक्शन की बात हो तो सरकार के लिए एक राहत भी होती है उसके अंदर, उसकी आड़ में कि हमें अवसर मिल रहा है और कहा जा सकता है कि साहब अभी तो आचार संहिता लग रही थी, हम क्या कर सकते हैं, आचार संहिता लग रही थी, हम कर होने वाले सारे काम होंगे, लेकिन जब पब्लिक के प्रति जवाबदेही होते हैं तो एक आचार संहिता का बहाना लिया जाता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि भजनलाल सरकार ले रही है, पहले भी ऐसा होता रहा, चाहे वसुंधरा की सरकार रही हो, चाहे गहलोत की सरकार रही हो, क्योंकि आप उसमें कर नहीं सकते कुछ भी। एक सिस्टम बन गया है हमारे, जब से इलेक्शन का जैसे भी रहा है, पहले असेंबली के इलेक्शन होंगे, फिर उसके बाद में पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, फिर लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे, उसी के आसपास पंचायत राज के चुनाव होंगे, तो एक सिलसिला चलता है। आई थिंक नेक्स्ट हमारा जो ये फाइनेंशियल ईयर होगा, इस तक ये चीज़ें पटरी पे आने में वक्त लगेगा और फिर चलता रहेगा ये सिलसिला। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन में एक आध विधायक को भेज दिया जाता है, वो चुन के आ जाते हैं, तो फिर एक आचार संहिता का सामना करना पड़ेगा। और मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा जी, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण तो हो ही गया, बाकी अब जो बोर्ड ऑफ अकाउंट को लेकर के जो आएंगे उसमें काफी चीजें आएगी, उसमें बहुत चीजें आएगी जो सरकार के आगे, जो इस साल भर के अंदर सरकार क्या करने जा रही है। मतलब बजट तो आएगा लेट, अभी तो आपको केवल वित्त विधेयक पारित कराना है, वोट ऑफ अकाउंट्स लेने हैं, तो उसके अंदर आपको कई चीजें नहीं देखने को मिलेगी। पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद होगी, क्योंकि पार्लियामेंट के इलेक्शन होगा, उसके बाद में बजट केंद्र में जो सरकार आएगी वो लेके आएगी, उसके बाद में फिर प्रतीक्षा देखनी चाहिए कि उसमें क्या चीज उभर करके आती है, क्या है, क्या वो होगा मेन एजेंडा जिसके ओर, क्योंकि लंबा भी चलेगा। जैसे वासुदेव देवनानी कह रहे हैं कि इच्छा है उनकी 40 से 60 दिन तक सरकार अपना हाउस के लिए बिजनेस लेकर के आए और वो चले, लेकिन अब कहना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पहली बार कुर्सी पे बैठे हैं, पहली बैठक है देवनानी साहब के लिए भी, हर विधानसभा अध्यक्ष यही कहता है। रात लेकिन 12-12 एक एक बजे तक विधानसभा को चलते, बिल्कुल दो दो ढाई ढाई बजे तक अकाल की बहस राजस्थान विधानसभा में सुनी, जिसका इतिहास भी रहा है और हमें कवर करने का सौभाग्य भी मिला है, लेकिन अब होता नहीं। आप देखिए शाम को 5-6 बजे बाद में तो जो स्पीकर बोलता है हाउस के अंदर, स्पीच जो भी देता है वक्ता, आप उसका देखिए पूरी बेंच खाली दिखाई देती है पीछे से, तो इसका मतलब दिलचस्पी नहीं रहती है, जबकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अपनी बात कही जानी चाहिए। और खैर मैं हालांकि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि सदन के जो नेता बनते हैं वो क्यों लिए लगता है कि हम सत्ता का भोग करें, उसके बाद में राजस्थान से रफू चक्कर हो जाए, चाहे अशोक गहलोत चाहे वसुंधरा राजे, भजनलाल कितने टिक पाएंगे ये देखने वाली बात है। क्योंकि वसुंधरा जी का भी यही रहता था, पूरे टाइम हाउस में नहीं रहती थी, अशोक गहलोत साहब का भी यही रहा, और विपक्ष में आते ही तो सवाल ही नहीं उठता आने का, गिने चुने दिनों के अंदर दर्शन करने आते हैं, उसके बाद में आते ही नहीं है। भैरव सिंह शेखावत से लेना चाहिए, कोई तो वजह होगी, भैरव सिंह शेखावत पूरे टाइम पे मॉर्निंग में एंटर होते थे और रात को हाउस जब खत्म होता था तब भैरव सिंह शेखावत जाते थे और उसी से
मुझे लगता है कि मैंने कहा ना कि सीनियर लीडर अगर हाउस के अंदर रुकते हैं तो उसके इंपॉर्टेंस को समझ में आता है, अदरवाइज होता क्या है कि अर्जियां लेके विधायक उस मंत्री के पास, उस मंत्री के पास में, सचिवालय में, सब यही सी हाउस चल रहा है, जब एक वाकई डिसिप्लिन होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कहीं नहीं जाए, यहीं पर रहेंगे, लेकिन कोई नहीं टिकता। कई बार तो स्थिति ये बनती है कि हाउस की कोरम पूरी नहीं होती है कि जितने विधायक होने चाहिए, जानू साहब ये पोजिशन होती है। इसके लिए सभी दलों को प्रमुखता से देखना चाहिए, पार्टी स्तर पर बैठ के होती हैं, पार्टियों को भी बाउंड करना चाहिए कि वाकई एक सार्थक बहस होनी चाहिए और वहाँ संख्या जो है एक आधार होता है वो पूरा होना चाहिए, मिनिमम नहीं मैक्सिमम संख्या होनी चाहिए, मुझे लगता है तभी इस विधानसभा की सार्थकता रहेगी और चीज़ें होनी चाहिए। खैर चलिए, आप लोग वर्कर हैं पार्टियों के, मैं आप दोनों से भी छोटे छोटे उसमें पूछना चाहूँगा क्योंकि समय कम है। जानू साहब क्या होना चाहिए, किस स्तर की बहस होनी चाहिए, चाहे हाउस के मेंबर नहीं है लेकिन देखते हैं, कार्यकर्ता हैं, समझते हैं, क्या होना चाहिए विधानसभा में बहस का स्तर? देखिए आज हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम सकारात्मक के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आज सदन में आए थे, लेकिन अभिभाषण को सुनकर के लगा कि यहाँ पे पॉजिटिविटी का कोई रोल नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि अब सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसे सदन को चलाना चाहेगी। दूसरा, जानू साहब ने कहा है कि किसको नेता प्रतिपक्ष बनाया, तो जानू साहब की पार्टी को शायद एक दलित को नेता प्रतिपक्ष बनाना पसंद नहीं रहा। तीसरी बात, कब वे ये पेट्रोल और डीजल के ऊपर रेट्स कम करेंगे, वेट कम करेंगे, उसके ऊपर प्रदेश की जनता इनसे पूछ रही है। कब किसानों को 3,000 रुपये की पेंशन देंगे, कब सामाजिक सुरक्षा की पेंशन को 1,500 रुपये करेंगे, कब रसोई गैस सबको 450 रुपये में मिलेगी, ये प्रदेश की जनता पूछ रही है आज भाजपा से, भजन सरकार से। तो उसके लिए जानू साहब इस माध्यम से, आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को विश्वास दे के जाए कि हम अगले 5 साल सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक समानता के लिए काम करेंगे, प्रदेश की जनता के लिए। समय कम है, जवाब दिलवा देता हूँ जी। देखो यादव जी, सीधी सी बात है, सरकारें बजट प्रावधानों से चलती हैं और अभी हमारी जो सरकार चल रही है वो आपके बजट प्रावधानों का अनुसरण कर रही है। जब हमारा बजट आएगा तो हमारी सरकार हमारे द्वारा की गई घोषणाओं का अनुपालन जरूर करेगी। दूसरा, मैं एक बहस का स्तर जानना चाहता हूं आप लोगों से, मैंने इनसे भी पूछा, आपसे भी पूछना चाहूंगा, बहस का स्तर क्या होना चाहिए? निश्चित रूप से सदन में सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष भी केवल मांग के लिए मांग नहीं करे और सरकार भी सत्ता के अहम में कोई काम नहीं करे, दोनों का समन्वय बना रहे तो राज्य की जनता का भला होगा। बहुत अच्छी बात है, होना भी यही चाहिए, अहम नहीं पालना चाहिए, अगर अच्छे सुझाव हो तो सरकार को भी मानना चाहिए। और बाकी तो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, चलता रहेगा, ये लोकतंत्र की वो पवित्र पंचायत है जिसकी ओर पूरा प्रदेश देखता है कि हमारे हितों पर चर्चा होगी, हमारे हक की बात होगी और वहाँ से कुछ निचोड़ जरूर निकलेगा। और अगर नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे भरोसा लोगों का टूट जाएगा कि सिर्फ गपशप के लिए लोग आते हैं, होता कुछ नहीं है। इस भरोसे को कायम रखने के लिए एक सार्थक चर्चा बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।